मसूरी शहर के एक होटल में डिवाइन लाइट ट्रस्ट द्वारा जीवन रक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शहर के सैकड़ों युवकों ने शिरकत की। साथ ही शिविर में ITBP मसूरी के निदेशक PS पापड़ा ने भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जीवन रक्षक प्रशिक्षण शिविर में स्थानीय लोगों को आपदा प्रबंधन के विभिन्न टिप्स दिए गए। इस मौके पर ITBP के निदेशक PS पापड़ा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से स्थानीय युवकों को जानकारी मिलती है जो कि आपदा के समय बहुत लाभदायक है। वहीं आयोजनकर्ता डॉक्टर सुनील सेनन ने कहा कि वे पिछले कई वर्षों से इस प्रकार के शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं। डॉक्टर सुनील ने कहा कि जब आपदा आती है तो जरूरी नहीं कि मौके पर डॉक्टर हो, इसलिए आम जनता और युवाओं को इस प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत है। इस प्रकार के काम से जो लोग वास्तविक डिजास्टर के टाइम में वहाँ, उनको जानकारी होनी चाहिए, जो मदद कर सकते हैं वो इसी प्रकार की ट्रेनिंग से लाभ हो सकता। इस प्रकार की ये प्रक्रिया मैं उम्मीद करता हूँ विभिन्न स्तरों पर और भी निरंतरता में रहेंगी। तुरंत आम जनता कैसे रिएक्ट करे, कैसे वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर बने कि वो अपना हाथ मदद का एक तकनीकी और वैज्ञानिक तरीके से सामने ला सके, इसके लिए सिर्फ डॉक्टर नहीं होते हैं, नर्सेज नहीं होती हैं, आम जनता और नौजवान स्पेशली जो हैं उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, एक्सपोज किया जाना चाहिए, जिसको हम इस शहर में पूरी तरह से सैचुरेट कर देना चाहते हैं, संतृप्त कर देना चाहते हैं। संवाद 365 के लिए मसूरी से राजवीर और शैला की रिपोर्ट।